जाता है वीडियो। अगर डाउट वगैरह रह जाए क्लास में, यहाँ पर अगर पूछ नहीं पा तो रिपीट देख सकते हो, है ना। तुम लोग को पता चल गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा है कि इस मास एम के ऊपर हमने एक सब्जेक्ट करा है कांस्टेंट पावर, और कांस्टेंट पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पी का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये पता है हमको। अब फोर्स मतलब होता है क्या, एम ए इंटू वी, और मास के जगह पर तो अभी अच्छा यहाँ सुनना ध्यान से। अब हम यहाँ पर से थोड़ा दो बात कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन अब डिपेंड करता है पोजीशन पर भी, और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टाइम पर भी, क्या ये हम लोग को पता है। एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले, देर काहे होता है रे नंदनी, हमको पता है कि एक्सेलरेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता होता है dv बाय dt और एक होता है v dv बाय dx, ये हम पढ़े हैं ना, और एक और होता है वैसे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर, अब तक तो हमें इतना बात पता है, ठीक है। तो हम इसी दो हिस्से पर बात करेंगे, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पर बात करेंगे, एक बार हम ये वाला यूज कर लेंगे, एक बार हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है बात। थोड़ा एक बीच में हम लाइन खींच लेते हैं, तो यहां पर हम पिछले इस वाले में हम यूज कर रहे हैं कि पी बराबर एम, क्या लिखा हुआ है एक्स में, क्या लिखेंगे बताओ, डी वी बाय डी टी इंटू वी, और इस बार P का वैल्यू लिख देते हैं एम वी डी वी बाय डी एक्स इंटू वी, एकदम आसान हो गया तक समझ में। अरे बोल दिया करो, थोड़ा मेरा आजकल दिमाग घसा घुसा गया है, ठीक है। तो P के जगह पे यहाँ P रख लेते हैं, और ये काम करते हैं यहाँ से, देखो P इंटू, देखो ध्यान से इस चीज को, हमको हमको वी डी वी और डी टी को सबको साथ में रखेंगे, पी डी टी बाय एम इक्वल टू वी डी वी हो जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से सही लिखे क्या। क्या हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अब तक, सोनल तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं आ रहा है रे। और यहां से पी बाय एम इंटू डी एक्स बराबर वी स्क्वायर डी भी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या दोनों साइड। और ऐसा देखते ही हम लोग क्या सीखते हैं इसका, हाँ, ऐसा देखते ही हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। अब मान लेते हैं कि जब x का वैल्यू जीरो था, यहां पर x का ना लिमिट लगाएंगे, तो जब x का वैल्यू जीरो था उस समय वेलोसिटी मान लो कि शुरुआती रफ्तार u था, और किसी भी x जगह पर वेलोसिटी v है, कोई सवाल। जब ये बॉडी x डिस्टेंस कवर कर लेता है उस समय इसका रफ्तार v है, और शुरुआत में रफ्तार u है, कैसे ये बात। और यहां से जाने में समय लगा है t, तो हम कह देते यहाँ पर भी यू से लेकर के भी तक इंटीग्रेट करते हैं इसको, यहाँ पर समय के बारे में बात कर रहे थे, जीरो से लेकर के टी टाइम तक कर देते हैं, कोई सवाल है किसी को। और यहां तक अगर हमको समझ में आ रहा था, हम किसे देखिए पी बाय एम बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, जीरो से लेकर के टी तक। और यहाँ क्या दिख रहा है देखो, तो वी स्क्वायर बाय टू यहां से यू से भी तक, अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां से दिख रहा है हमको पी टी बाय एम इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बाय टू, समझ में आया क्वेश्चन नंबर वन। उसी तरह से यहां से हम लिख सकते हैं कि पी बाय एम बाहर आ जाएगा, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा जीरो से लेकर के एक्स तक, और यहां से हो जाएगा वी का क्यू बाय थ्री, है ना, यू से लेकर के वी तक। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो वी का क्यू माइनस में यू का क्यू बाय थ्री हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। कोई दिक्कत है, वैसे यहां पर से आ गया पी बाय एम इंटू एक्स बराबर वी का क्यू माइनस में यू का क्यू बाय थ्री। आज 13 तारीख है, आज 14 तारीख नहीं है, जो कि मुंह में दही चिपका करके बैठे ले बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ तो देखो फिर से सुनो, क्या कहानी है कि इस बार हमने एक बॉडी लिया जिसका वजन है एम, हम पागल हो जाएंगे, हम इधर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक बॉडी है जिसका वजन है एम, और उसके ऊपर हमने पावर लगाया है, कांस्टेंट पावर लगा दिया, ये देखो कांस्टेंट पावर लगा दिया, इससे हम ये चेक करना चाहते हैं उसका रफ्तार यू से लेकर के भी बदल गया है, ठीक है, किसी डिस्टेंस एक्स कवर करने के बाद समय लगा है टी। यहां तक सबको समझ में आया, एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले होते हैं, दोनों को हमने लगा दिया है ना, वी डीवी बाय डीटी और वी डीवी बाय डीएक्स दोनों यूज कर लिया,
तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करे थे ना, याद करो, पी बराबर एफ इंटू बी, फोर्स की जगह पे एम ए, और एक्सेलरेशन को हमने, ये सब तो हम लोग किए थे पिछले क्लास में, ये सारा काम हो चुका है ना यहाँ से यहाँ तक, पिछले क्लास में सीखे थे ना यहाँ तक। हाँ, तो अब हम यहाँ से सबको सॉल्व करते हुए हम यहाँ से पहला इक्वेशन पहुंचे, फिर दूसरे इक्वेशन पहुंचे, दोनों को पकड़े डिवाइड कर देंगे, तो फ्रॉम, दोनों को पकड़े डिवाइड करो, है ना, इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू। अगर हम डिवाइड करें तो पी बाय एम, तो पी बाय एम तो कट गया, दिख रहा है क्या, या क्या दिखेगा, टी अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, दिस बाय दिस, तो वी का स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बाय वी का क्यूब माइनस में यू का क्यूब, और ये दो नीचे चला आएगा और थ्री ऊपर चला जाएगा, है ना, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, क्या ये फॉर्मूला तुम लोग जल्दी से कॉपी में राइट डाउन करोगे, जल्दी से कर लिए कॉपी में, लिखे ये फॉर्मूला कम से कम, टी अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री बाय टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बाय वी का क्यू माइनस में यू का क्यू, लिख लिए सब कोई, ठीक है, अगर तुम लोग लिख लिए हो, तुम लोग इतना मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चा है हेनरे, मतलब अपने बारे में तो बोल ही सकते हो, क्या कर सकता अपने बारे में, इतना बात बड़ा है, देख गया, अगर ये बात तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तो ये सवाल जल्दी से बना के दिखाओ, 2 मिनट का समय दे रहा है। जल्दी से बना के दिखाओ, ट्रेवल करता है 252 मीटर, इट्स वेलोसिटीज बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और सबका आया, इनिशियल रफ्तार मान लो 0 है, समय पूछ रहा है कितना लगा होगा, सबका आया, सबका आया, इतना देर क्यों लग रहा है, अरे पापी सब, क्या है फॉर्मूला, टी बाई एक्स, छापा भी नहीं होगा पहले सब, टी बाय एक्स थ्री बाय टू वी का स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर बाय वी का क्यूब माइनस में यू का क्यूब, यही है ना, तो टाइम तो पूछ रहा है, एक्स तो दिख रहा है ना, 252 इक्वल टू 3/2 वी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर बाय 6 का क्यूब माइनस में 0 का क्यूब, क्या यहां से टाइम निकल जाएगा, क्या यहां से टाइम निकल जाएगा, सॉल्व फॉर आंसर, क्या अगर ये सवाल आएगा तो एग्जाम में, मान लो कि ये सवाल आ गया एग्जाम में और लिख दिया कांस्टेंट पावर, तो क्या अब हम लोग सीधा सीधी वो भी बराबर यू प्लस ए टी वो सब लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं, अगर यहीं पर लिखा रहता कांस्टेंट फोर्स, अगर यहां पर लिखा रहता कांस्टेंट फोर्स, देन वी कैन अप्लाई, देन वी कैन अप्लाई ऑल दी, सॉरी है ना, ऑल दी फॉर्मूलाइज, है ना, फॉर्मूलाज फॉर कौन था, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, वी बराबर यू प्लस में ए टी, है ना, था एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS, क्या ये सब यहां लगेगा, ये सब यहां नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि कॉन्स्टेंट पावर लगा दिया, हाँ, तो हम लोग सीख चुके हैं काइनेमेटिक्स में, देखो कितना सिंपल सवाल दिख रहा है, और सिर्फ इस सिंपल सवाल के लिए या तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो डिराइव करने आना चाहिए, क्लियर है, अब हमें दोनों बात आता है, अरे बोलो ना रे, अब दिख रहा है क्या, जेई जेई मेन, ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं है,
आ भी सकता है एडवांस में, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ज्यादा उम्मीद है कि ये मेन वगैरह की ही या नीट के क्वेश्चंस में दिखता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे क्वेश्चन लिखो, ये तो बन गया होगा, जो क्वेश्चंस दिए थे वही सब क्वेश्चन है, और आज कुछ भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लिए हैं वर्क वगैरह के लिए। क्या ये क्वेश्चन बन गया है तुम लोग से? पावर पूछा है क्या, ये बन चुका था तुम लोग से? अरे पिछला स्लाइड में मिला था ना ये सारा क्वेश्चन, एक से लेकर के समथिंग और तक। देखो सबका मुंह में दही जम गया, कोई बने भी नहीं क्या है, सब घर बैठ करके जो है ना जिंगा लला हूं खेल रहे, गन तो बोलता कह नहीं है। 1 kg, बता दो इसका आंसर कितना था। जब समय 2 सेकेंड हो चुका है तो यहां पर इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे, यू प्लस में 80, यू है 0, माइनस में 10 और समय का वैल्यू 2, यानी कि माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार है नीचे की तरफ, और फोर्स भी लग रहा है इधर की तरफ। फोर्स कितना होता है, mg होता है ना, वजन दिया 1 g के जगह पे 10, यानी क्योंकि माइनस में 10 न्यूटन, क्योंकि माइनस क्यों लगा है नीचे की तरफ है, तो पावर क्या हो जाएगा इसमें, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स हो गया नीचे 10। नंदिनी तुम्हारा काहे नहीं आवाज आ रहा है रे, माइनस में 200 वाट बना था ये सवाल, कितना को नहीं आया समझ में। इस वाले में देखो यहां पर कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है ना, व्हाट इज द पावर ऑफ फ्रिक्शन, तो पावर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा, वो तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी हो जाता है। अब म्यू का वैल्यू देख रखा है क्या इसने, नहीं लिखा है, छोड़ो। अच्छा ये कहानी क्या लिखा है, देखो ये तो नहीं लिखा है, म्यू नहीं दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम लिख दिया क्या, देखो ध्यान से क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा। क्या हम इस बात से ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पीछे की तरफ जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जो भी यहां पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, वो क्या एग्जैक्टली 50 न्यूटन है? अरे अगर दोनों बराबर है तभी नहीं एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 50 न्यूटन के बराबर है फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। क्या ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आगे जितना जोर से खींचा जा रहा है उतना ही जोर से पीछे भी खींचा जा रहा होगा, तभी नहीं चुपचाप से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और अगर हमको फोर्स मिल चुका है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमारे पास पावर ऑफ फ्रिक्शन आ गया कि नहीं आया? पावर ऑफ फ्रिक्शन कितना आया, पावर बराबर 50 पीछे और वेलोसिटी आगे, यानी कि -50 वाट। आंसर सबको समझ में आया? अरे इस वाले में देखो कांस्टेंट फोर्स एफ इज पुशिंग, फिर से कांस्टेंट फोर्स लिखा, वर्ड्स पर ध्यान दो, एफ इज पुशिंग अ 5 kg मास ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे कर रखा है क्या, ये हमको बनाना चाहिए बताओ, इसमें म्यू दे कर रखा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पता है ना हमको, म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू 0.3, एम का वैल्यू कितना, 5 g के जगह पे 10, तो कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया, और वेलोसिटी दिया हुआ है तो 15 × 2 = 30, आंसर तो दिख रहा है साफ है कि नहीं दिख रहा, फोर्स इंटू वेलोसिटी 15 × 2 यानी कि 30 वाट। आगे देखते हैं क्या इसको हमको बनाना चाहिए, म्यू फिर से दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, ये हमको बनाने बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से ध्यान से, यह बना था 5 नंबर, अरे 5 तो नहीं बना होगा, बोलो ना। हाँ कहानी क्या है इसमें, एक बॉडी है, ध्यान समझना, एक बॉडी है यहां पर जो कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इस सवाल को ध्यान समझना, यहाँ पर जो ये जो लिखा है इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 1/40, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है जो थीटा है ना,
यहां पर साइन थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है 1/40, याद रहेगा। जब भी लिखा रहे इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 1/40 मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना है। हाँ बाकी तब हमको पता है क्या लिखा है, रसिस्ट, इफ द रसिस्टेंस ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा यहां समझना बात को, क्या क्या कहानी है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और बहुत अच्छा सवाल है ये। अब मोटर कार वाइल रनिंग डाउन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, कैसे आ रहा है नीचे। ये जो मोटर कार है, जो भी मोटर कार है दिख रहा है क्या, कार, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन साइड में, ठीक है, मूविंग डाउन। अगर ये डाउन साइड में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसके पास दो को फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ, बोलो एम जी साइन थीटा, क्या सही बात है क्या कि नहीं लग रहा है। और बोला है क्योंकि रसिस्टेंस है, देखो इफ रसिस्टेंस ऑफ मोशन लिखा है क्या, तो रसिस्टेंस ऑफ मोशन क्या होता है, ये पीछे की तरफ होता है। और इसने लिखा है कि रसिस्टेंस ऑफ मोशन जो है वो कितना है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। रेसिस्टेंस बराबर क्या बचा, के भी स्क्वायर हो गया क्या, एक कांस्टेंट डाल देते हैं, के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, क्या यहां तक कोई सवाल। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है नीचे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर है। अभी ना सीखे हैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता है, ये कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अगर मूविंग डाउन है तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू के भी स्क्वायर। और वजन दिया है क्या, वजन दिया है क्या 800, है ना, जी के जगह पे 10 sin थीटा का वैल्यू कितना दिया 1/40, के तो पता है नहीं, वेलोसिटी दिख रहा है 20 × 20। क्या सबको समझ में आया, अरे बोलो ना जी हाँ। तो यहां से देखो तो क्या आ गया, तो 2 × 2 = 400, 400 यानी कि 2 2 बार में खत्म। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया क्या, अरे बोलो रे हाँ। यानी किसी को डाउट है, अरे सॉल्यूशन नहीं हो गया क्या, के का वैल्यू 5 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्या यहां तक जो सॉल्व किए हैं सबको समझ में आया। एक मोटर कार रनिंग डाउन यानी कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 1/40, इसका मतलब है साइन थीटा का वैल्यू 1/40 है, अटेन्स ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, वो इस रफ्तार से चल रहा है, व्हेन इट्स इंजन इज कट ऑफ। अब इंजन कट ऑफ है मतलब इंजन कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, इंजन बंद है, गाड़ी अपने से हुड़क रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है नीचे। इस चक्कर में क्या होगा, अगर नीचे जा रहा है तो एम जी साइन थीटा खींच रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स के भी स्क्वायर है। अब ये यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि इसने लिखा है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ मोशन है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। सबके लिए ठीक है यहाँ तक, और इसी से हमने क्या लगाया गया, एम जी साइन थीटा के भी स्क्वायर के बराबर है, आ गया, क्लियर है यहाँ तक, यहां तक ठीक है ना। अब बात करते हैं अप द मोशन, है ना, ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें अप द मोशन का, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर कौन लेके जा रहा होगा, इंजन काम कर रहा होगा, अरे इंजन अब खींच रहा होगा ना गाड़ी को, इस गाड़ी को अब इंजन फोर्स लगा रहा होगा। और बताओ कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे, एक सर नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, यहां तक समझ में आया। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर किसे किधर लग रहा होगा, पीछे ना, अगर ये मोशन ऊपर की तरफ कर रहा है जिसका वेलोसिटी लिखा है 15 मीटर पर सेकंड, ये है ना, इसका मतलब इसका फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो इस बार फिर से एफ किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा प्लस में के वी स्क्वायर के बराबर, क्लियर है यहां तक, अरे बोलन रहे हाँ। तो फोर्स जो है, फोर्स का वैल्यू कितना, एम के जगह पे कितना है 800, जी के जगह पे 10, और साइन थीटा का वैल्यू 1/40 सॉरी प्लस में के जगह 5 वी स्क्वायर यानी 15 × 15,
ये क्या फोर्स जो इंजन ने लगाया, ये फोर्स क्या है जो इंजन ने लगाया है। यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई दिक्कत है? आप चाहिए हमको पावर, बस पावर बराबर क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स निकल गया क्या यहां से? अरे वन रे 200, और इधर कितना हो गया? अरे कितना आया रे 200, और प्लस में 225 इंटू 5, कुछ ज्यादा आ गया क्या? कितना आएगा जल्दी बताओ। हेलो, कितना आया ये सॉल्व करके? हेलो, नहीं आया जी, तुम लोग से सॉल्व नहीं हुआ रे। हाँ बताओ कितना आया फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू कितना आया है जल्दी बताओ। लोग कमाल कह रहे बाबा, इधर हो गया हमारे पास 200 प्लस में 5 इंटू 225, 1325 ना आया रे पूरा, 1325 इंटू वेलोसिटी हो गया 15, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 15, कितना आ गया 19875। क्या गलती की रे, ये कुछ ज्यादा नहीं आ गया रे? के 0.5 होना चाहिए, तो के 0.5 रख लो, के 0.5 रख लो, के 0.5 रख लो, तो 0.5 रखोगे तो कितना आएगा देख लेना अपने हिसाब से, कितना आ रहा है इतना डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है 112.5, यानी कितना आ गया 312.5, यानी हो गया सही जा रहा है क्या? आ गया ना, हाँ तब 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 हम बना दिए ना, बाहर हल्ला नहीं करना। फोर सिक्स एट सेवन वाट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे कैसे आया 0.5 रे 200? ओ हो, हम 200 कहाँ से समझ रहे थे इसको, 20/40 सही बात है। ओ हो, चलो ठीक, अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आए ये सवाल? अरे क्या ये सवाल तुम लोग से बन जाएगा? फिर से दिख रहा है इसी इंक्लिनेशन पे जा रहा है बॉडी, कह रहा है पावर कितना रिक्वायर्ड है जबकि ये वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या हम पावर निकाल सकते हैं? पावर क्या हो जाएगा बता तो, जो अपदब मोशन होगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा, ये फोर्स इनटू वेलोसिटी। अरे मान लो कि अगर एक बॉडी को हम इंक्लाइन मोशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मान लो कि एफ फोर्स से लेके जा रहा है, पीछे कितना फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा ना, अगर ये थीटा दिया हुआ है तो, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फोर्स किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर है कि नहीं है? आ इसको अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर आ जाएगा। अरे बोलो न रे, हा उड़ गए यार, ऐसे करोगे तुम लोग जी, वजन हो गया 4 g साइन थीटा 1/40 इंटू वेलोसिटी हो गया 40,
कट गया क्या? यस हो गया 40 वाट। क्या हो गया ये? 40 वाट जो है ये पावर है। अब कह रहा है कि कितना पावर मेरे को चाहिए, ये 40 वाट हमको क्या बोल रहा है देखो यहाँ 40 वाट। हेलो तुम लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? रे अरे तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहे। हाँ बस इतना ही कहानी था, अभी तक तो कुछ बारी चीज पढ़ाई भी नहीं है। अगर हमको यहाँ से आ गया तो पावर जो इनपुट सॉरी पावर जो आउटपुट होता है बाय पावर इनपुट वो दिया है हमको 50। क्लास में है, क्लास में ठीक है 50/100 तो ये कितना हो गया 1/2। तो हमको क्या चाहिए? पावर आउटपुट। पावर आउटपुट क्या हो जाता है? पावर इनपुट बाय टू। इनपुट कितना चाहिए? 40/2 यानी कि 20 वाट। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हमने बनाने वाले हैं, अब तुम लोग बना लोगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है इस बार, पिछले बार ये सवाल ही बस चेंज किया गया है, सेम है ना? अरे बोलो रे। हाँ हेलो, अब तो बन जाएगा ना। ठीक आगे, एक इंजन जो है पंप कर रहा है इतना किलोग्राम ऑफ कोयला, तो mg sin θ लेके जाएगा क्योंकि है ना 100 मीटर डीप इन 50 सेकेंड। तो अगर मान लो कि कोयला का कंटेनर है, इसमें कोयला है रखा हुआ, इस कोयला को किसी mg sin θ से ऊपर की तरफ फेंके है ना, ऊपर की तरफ लेके गए या नीचे की तरफ लेके, जैसे भी लेके जाओ है ना, या मान लो सरफेस है, सरफेस से हमने गड्ढा खोद करके डीप से उठा करके हम सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं है ना, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पावर कितना रिक्वायर्ड है बताओ? तो mgh इतना फोर्स लगा है ना जी, अरे यही है ना। और यहां पर आते ही इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस में at। तो v u 0 है, एक्सेलरेशन है 0 और 10 और समय हो गया 50, यानी हो गया 500 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार है यहां पर, तो 500। समझ में आया? क्या वजन दिया हुआ है? 100 किलोग्राम। g पता है क्या? h पता है क्या? तो पावर निकल गया। एफिशिएंसी दिया है 25%। क्या ये हमको बनाना चाहिए? अरे नहीं बनाना चाहिए। ठीक अब सुनो यहां से ध्यान से, ये सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है कि जो पावर लगा है वो हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, तो पावर अगर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं ना कि कांस्टेंट पावर एफ इंटू वी वेलोसिटी के बराबर ही होता है, या फिर जो भी रहे क्या ये फर्क पड़ता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं जो हम पिछले क्लास में हम बहुत सारा डेरिएशन ले रहे थे, पावर टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर एक्स के प्रोपोर्शनल, ये सवाल बताए थे ना, वो सवाल एक्चुअली में कैसे आता है, हम ये वाला ये क्वेश्चन दिए ठीक है बात। तो पावर की जगह पे पावर लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे ए लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, पावर की जगह पे एम, क्या चाहिए बताओ? समय के प्रोपोर्शनल चाहिए बात, क्या लिखेंगे यहाँ पर? डीवी बाई डीटी इनटू बी, सही है क्या? यहां से आएगा पी बाय एम इंटू डी टी इक्वल टू वी डी वी। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, यहां से आएगा पी बाय एम इंटू टी और यहां जाएगा वी स्क्वायर बाय टू। क्लियर है बात? अरे बोलो रे। हाँ यहां से वी का स्क्वायर बराबर क्या बचा? टू पी बाय एम इंटू टी, वी बराबर क्या हो गया? रूट ओवर 2p/m इंटू टी पावर 1/2। तो क्या कह सकते हैं? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 2। कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है इसमें? बी। बी वाला दिख गया, कैसे बनाया देखा? समझ समझ में आ रहा है कि कैसे आता है क्वेश्चन? अरे बोलो रे। हाँ ठीक अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम इज लोकेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ पॉइंट ओ है ना, द बॉडी एक्वायर्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एक्वायर कर रहा है, फाइंड ए नंबर में, ए नंबर में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मीन पावर डेवलप याद है, पी मीन कितना होता है? 1/T इंटीग्रल ऑफ पी डी टी, ये पढ़े थे।
इसी को बोलते हैं एवरेज पावर। अरे एवरेज बाय पावर इसी को कहते हैं, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तुम लोग के तो बैंड बज गए यार। ठीक है, कह रहा है कि होल टाइम ऑफ द मोशन, इफ द फ्रिक्शन ऑफ कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वगैरह दिया हुआ है, उनको पता है कि अगर मान लो किसी भी समय पर अगर हम बात करें इस बॉडी का रफ्तार, मान लेते हैं कि यू रफ्तार है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रफ्तार इसका भी हो जाता है, तो भी बराबर क्या लिखोगे, यू प्लस में ए टी, और ये एक्सलेट कर रहा है, मान लो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, किने लग रहा है, ये है ना, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो, म्यू एम जी पीछे की तरफ फ्रिक्शन हो जाएगा, और इस चक्कर में इसके पास अगर एक्सेलरेशन है, और ये मान लो कि शुरुआत का रफ्तार जो दिया है इसने वी नॉट दिया है, शुरुआत का ही रफ्तार कितना दिया है, वी नॉट दिया है, वी नॉट से घट करके वी हो चुका है, क्या इसका एक्सेलरेशन कितना लिखोगे इस पे, एक्सेलरेशन इस बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अकेला फोर्स लग रहा है म्यू एम जी बटे एम, तो क्या हो जाएगा, म्यू म्यू इंटू जी हो जाएगा क्या, आई वन माइनस में आएगा, ये कोई दिक्कत है क्या, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, अगर एक बॉडी है फ्रिक्शन के वजह से ही खाली चल रहा है, यानी कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और बॉडी मान लो कि मतलब ससर रहा होगा, कुछ रफ्तार होगा, अब वो धीरे धीरे करके उसका स्पीड डाउन आ रहा है, तो स्पीड डाउन क्यों हो रहा होगा, फ्रिक्शन लगा होगा, और फ्रिक्शन के वजह से अब एक्सेलरेशन होगा जो कि रिटार्डेशन कहलाएगा, इसको इसको रिटार्डेशन कहते हैं। सबको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है, सबको सारी बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, तो भी बराबर क्या लिखोगे, यहां से भी बराबर क्या लिखोगे सर, भी नॉट माइनस में म्यू जी इंटू टी, क्या ये लिखेंगे क्या, है ना, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पी इंस्टेंटेनियस क्या आएगा बताओ, फोर्स इनटू भी वेलोसिटी, फोर्स कितना है म्यू एम जी माइनस में, और वेलोसिटी अभी निकाले, क्या निकाले, वी नॉट माइनस में म्यू जी इनटू, क्या यहां तक समझ में आया, किसी भी इंस्टेंट पर जब ये भी वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है उस समय पी इंस्टेंट तो ऐसे लिखोगे ना। अरे बोल रहे, हाँ पी इंस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा ना, जिंदगी बर्बाद हो गया, अगर हम पी एवरेज पूछेंगे तो क्या बोलोगे, वन बाय टी इंटीग्रल ऑफ पी की जगह पी लिख लेते हैं, माइनस में म्यू एम जी वी नॉट माइनस में म्यू जी इंटू टी इंटू डी टी, जीरो से लेकर के टी टाइम तक, वन बाय टी तो बाहर आ गया, माइनस में म्यू एम जी भी बाहर आ जाएगा, है ना, यहां से भी नॉट इंटू टी हो जाएगा, माइनस में म्यू जी टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, कोई सवाल, कोई सवाल, पूरा क्वेश्चन को फिर समझा दें, मान लो एक बॉडी है, मेरे पास स्लाइड से, हाँ है, एक बॉडी है जो कि इसी सरफेस पर चल रहा है, कुछ रफ्तार है इसके पास, शुरुआत में वी नॉट रफ्तार है, बाद में रफ्तार है ना, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस पर वेलोसिटी घटता है ना, वेलोसिटी हो चुका है भी, अगर ये भी वेलोसिटी हो चुका है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, इसमें कोई शक, फ्रिक्शन पीछे फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, एफ आर बराबर क्या लिखते हैं, म्यू एम जी बोलते हैं ना, एक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बाय मास माइनस में म्यू एम जी वह वजन दिखेंगे ना, यानी कि माइनस में म्यू जी, फ्रिक्शन तो समझ में आया बात की नहीं है, इससे क्या होगा, ये रिटार्ड कर रहा होगा ना दिस बॉडी, ये रिटार्डेशन में मामला आ चुका है, और अगर ये रिटार्डेशन हो चुका है तो इसका रफ्तार घट रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, तो फ्रॉम भी इक्वल टू यू प्लस में एटी, अब ये कहां से लगा दिए, क्योंकि ये देखो कांस्टेंट है, देख लो ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो हम ये सब चीज लगा सकते हैं, तो यू रफ्तार कितना है, वी नॉट माइनस में म्यू जी इंटू टी, क्या यहां तक ठीक है बात, यू के जगह वी नॉट माइनस एक्सेलरेशन के जगह पे म्यू जी इंटू टी टाइम में वेलोसिटी हो गया, यहां पर रफ्तार जब ये किसी इंस्टेंट पर है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, फाइनली तो इसको रुकना है, फाइनली तो यहां पर आकर के रेस्ट में आना है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच बीच के किसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। अभी और अच्छे समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है, अगर इतना बात सबको समझ में आ रहा है तो बता दो पावर किसी इंस्टेंट पर क्या होगा। वो तो कर देंगे सर, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू वी वेलोसिटी। फ्रिक्शनल फोर्स कितना? माइनस में म्यू एम जी, और वी वेलोसिटी जगह वी नॉट माइनस में म्यू जी इंटू टी। अंशु बाबू, अंशु बाबू ठीक चल रहा है गाड़ी? तो पी एवरेज क्या होता है? 1/T इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। तो 1/T कितना? तो वही टोटल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ पी के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस में म्यू। अच्छा पहले पहले अच्छे से लिख लेते हैं, तब फिर बाद में उसको कुछ करेंगे। माइनस में म्यू एम जी 1 माइनस में, सॉरी सॉरी सॉरी, वी नॉट माइनस में। ठीक है, मेरा हाथ काहे भाग रहा है? तुम लोग को दिख रहा है रे? तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस में म्यू एम जी बाई टी तो बाहर ही आ गया, यहाँ से हो गया हमारे पास वी नॉट टी माइनस में म्यू जी इंटू टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो टी कॉमन आगे कट जाएगा। अरे 0 से T टाइम तक बात कर रहे हैं, तो सीधा लिख देते हैं माइनस में म्यू एम जी, और यहाँ से हो गया वी नॉट माइनस में म्यू जी टी बाय टू। ये हो गया टी एवरेज। क्या हो गया ये? एवरेज पावर। तो क्या पी एवरेज निकाल सकते हो? अब माइनस म्यू दिया हुआ है 0.27, जी के जगह पे 10, वजन दिया हुआ है क्या 1 किलो, है ना, वी नॉट दिया है तुमको 1.5, माइनस म्यू के जगह पे 0.27, जी के जगह पे 10, समय दिया हुआ है क्या? हेलो, समय दिया हुआ है क्या? टाइम निकाल सकते हो? देखो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहां से शुरुआत में ये वी नॉट रफ्तार से चल रहा है, बाद में मान लो कि रेस्ट में आ गया, क्या क्या होल टाइम ऑफ मोशन क्या बोला है? होल टाइम ऑफ मोशन मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। जब यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो समय कितना आएगा? हेलो, टी टोटल कितना होगा जी? अगर ये चीज 0 कर दोगे तो वी नॉट बाय म्यू जी होगा ना, तो वी नॉट कितना है? 1.5, म्यू के जगह पे 0.27 इंटू जी के जगह पे 10, इतना समय हो गया क्या टोटल टाइम? क्या इसको यहां पुट कर लेंगे तो क्या पी एवरेज आ जाएगा? कर लोगे अपने से? 1.5 बाय 0.27 इंटू 10 है, ये तो कट गया रे, 1.5 में से 1.5 गया, 0 हो गया कि रे, तो गड़बड़ा गया मामला नहीं लग रहा है? ए सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे में 2 भी है ना, नीचे में 2 भी है रे, नीचे में 2 है, नीचे में 2 भी है क्या? अब ठीक है, बन जाएगा? अरे अब तो बन जाएगा ना। ठीक है, अब बी नंबर बात करते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर बताओ। तो हमको तो पी पता है, पी पता है क्या? बी नंबर बात कर रहे थे, पी इंस्टेंट हमको पता है क्या? पी इंस्टेंट कितना था? माइनस में म्यू एम जी इंटू वी नॉट माइनस में म्यू जी इंटू टी, है ना था? देखिए पी इंस्टेंट हमको पता है, कह रहा है सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है इसने। फाइंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स अगर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट वेरीज विद म्यू बराबर ax। अगर म्यू का वैल्यू, इफ म्यू जो है वो ax के हिसाब से बदल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये बॉडी डिस्प्लेस करेगा, ध्यान समझना मेरी बात को, जैसे जैसे बॉडी यहां से एक्स जगह पर जाएगा, यहां फ्रिक्शन कुछ होगा, यहां पर फ्रिक्शन कुछ और होगा। तो यहां फ्रिक्शन कितना होगा बता दो? म्यू एम जी। तो म्यू के जगह क्या लिखेंगे? एक्स एम जी। क्या सही है बात? अरे बोलो रेहा, फ्रिक्शन हर एक्स पर बदल गया है, तो
हो सकता है ऐसा, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे दलदल और बढ़ते जा, दलदल मिलते जा रहा है, बस समझ रहे हो ना, जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ रहा है दलदल और मिल रहा है, हो सकता है, क्या दिक्कत है। तो म्यू के जगह पे हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, और क्या ही करना। तो म्यू के जगह पे क्या करेंगे बता, तो ए एक्स एम जी बी नॉट माइनस में म्यू के जगह पे, सॉरी म्यू के जगह पे ए एक्स एम जी, म्यू के जगह ना पुट करना था, म्यू के जगह पे सिर्फ ए एक्स जी टी, क्या सही लिखे क्या, बराबर हो गया पी। और हमको चाहिए फॉर पी मैक्सिमम, अगर हमको पी मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाय डी एक्स को जीरो कर देंगे, याद है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन यही था क्या, मैक्सिमा के लिए याद है ये सिचुएशन। रहा पी बराबर बेसिकली आ जाएगा क्या, माइनस में ए एक्स एम जी इंटू वी नॉट प्लस में ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एम जी स्क्वायर इंटू टी, क्या सही लिखे हैं? क्या देखो तो इसी चीज को हम यहां पर लिखे हैं, माइनस में ए एक्स एम जी वी नॉट माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एम जी स्क्वायर टी, यहां तक समझ में आ रहा है बात। अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, यहां से अगर डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, देखो तो माइनस में ए एम जी वी नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, अब प्लस में यहां से ये भी ए स्क्वायर एम जी स्क्वायर टी बाहर आ गया और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स बराबर जीरो। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू, हाँ डिस्टेंस ही चाहिए था, इतना बराबर जीरो, क्या इतना हम एक्स निकाल सकते हैं यहां से, तुम लोग के तो तोते उड़ गए रे सोनल, सोनल संन्यास संन्यास ले ली क्या रे, समझ में आ रहा है ना, ओके देखते हैं कितना दिन तक तुम लोग झेल पाते हो हमको। टू एक्स इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा यहां से, वी नॉट बाय जी टी जी, तो एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है, वी नॉट बाय टू जी टी, क्लियर है बात। अरे बोल रहा ठीक है, वेयर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज, टैक्स निकल गया, कोई दिक्कत है, अरे बोल रहा ये सवाल अच्छा था ठीक है ना, यहां तक देखो फिर से बता दें, कितनों को फिर से बता दें, हाथ खड़ा करो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर YouTube पे चला जाएगा वीडियो, वहां पर से दो बार तीन बार देख लेना समझ में आ जाएगा। खैर एक इंस्टॉलेशन कंसिस्टिंग, ये हम नहीं बनाएंगे, ये बन जाएगा तुम लोग से, बन जाएगा ना, एफिशिएंसी पूछा है बन जाएगा। हुर 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 हेलो, आवाज आ रहा है आप, हेलो अच्छा ठीक 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 ये दोनों बन जाएगा ना, ये सब हमको नहीं बनाना चाहिए। अरे एफिशिएंसी पूछा है, क्यों हम बनाएंगे बताओ, बन जाएगा ना। अरे इतना सारा सवाल बता दिया, अब तो बन जाएगा, हम क्यों बनाएंगे, क्या वॉल्यूम लिखा है रे, एच हाइट दिया हुआ ही है, अब वॉल्यूम लिख दिया तुम क्या वजन नहीं बता सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी पता है ना पानी का 10³ होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, अरे बन जाएगा ना। तो 8,000 किलोग्राम का पानी है, एम हो गया तो पावर कितना हो जाएगा, एम जी एच इनटू बी वेलोसिटी, अभी तो बताए सब, बी बराबर जी टी हो जाएगा ऐसा। अब ठीक है आवाज, अब ठीक है, ठीक, पता नहीं क्यों कट जा रहा। खैर बताओ एम जी टी सॉरी एम जी एच इंटू वी की जगह पे जी टी पुट कर लोगे, सब तो आ गया ना, तो पावर आ चुका है हमारे पास एम जी एच इंटू जी टी, पावर दिख रहा है तो कह रहा है एफिशिएंसी कितना है, तो यहां से पावर निकाल लेना, फिर यहां से पावर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जाएगा एफिशिएंसी, हम नहीं बनाएंगे बेटा,
आगे आगे देखो ये सवाल 13 नंबर, पावर ऑफ द ओनली फोर्स कितना बज गया रे? अरे बाप रे बाप, बहुत सारा सवाल है रे, तुम लोग खाली बस मेरा माथा इसी में लटका के रखो। ध्यान सुनो, पावर ऑफ ओनली एक्टिंग, देखो कितना क्वेश्चन है, देखो दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतना क्वेश्चन है, ठीक है। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे, जितना बनेगा बनेगा, नहीं तो तुम लोग बनाना बैठोगे। पावर ऑफ, ये देखो ध्यान से, क्या पावर भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है ना, डिपेंड्स ऑन भी स्क्वायर, यानी कि सॉरी डिपेंड ही कर रहे थे उसको, काहे के लिए पावर ऑफ भी स्क्वायर दिया, क्या इसको हमको सॉल्व करने आता है क्या? क्या इसको सॉल्व करने आता है ना? अरे पावर बराबर फोर्स इंटू भी वेलोसिटी बराबर भी स्क्वायर हो गया, तो फोर्स से क्या लिखोगे, एम ए इंटू भी बराबर भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर दिया गया एम, और क्या चाहिए हमको, पार्टिकल इन टाइम लॉन 2 सेकेंड्स, यानी टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो डी वी बाई डी टी लिख देंगे क्या बराबर भी, अरे बोलो रे हाँ, तो डी वी बाई बी बराबर डी टी बाई एम, सही लिखे क्या, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, तुम लोग को भी आवाज आ रहा है गाड़ी वाला आया घर से कचरा छोड़ वेयर भी इज इन द मीटर, इतना ठीक है, तो क्या करा जाए बता, इसका लॉन वी आएगा क्या रे, और यहां से 1/m into dt की जगह पर t आ जाएगा, है ना, ए ना, तो लॉन वी को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो लॉग बेस ई वी, याद है, यहां से टी बाय एम हो जाएगा, ई पे पावर टी अपॉन एम के जगह पे हम क्या भी लिख सकते हैं, याद है या लॉग में हम सिखाए थे ये सब चीज, ई पे पावर इतना करके भी निकालने के लिए, लॉग बेस ई एक्स बराबर अगर वाई होता है तो ई पे पावर वाई बराबर एक्स, याद है कि नहीं है तुम लोग को, और दूसरा बात हम बताए थे कि लॉग बेस ई ई का वैल्यू 1 हो जाता है जब जब मैच करता है, इसी को लॉन ई का वैल्यू 1 कहते हैं, याद होना चाहिए सब बात, ठीक। क्या लिख दिए हम जी, ऐसा हम लिखे क्यों, हमको भगवान माफ करे, कभी लिमिट लगे हुए नहीं किए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट नहीं लगाए, बताओ जब समय 0 था, मान लो कि यू रफ्तार है, जब समय टी है उसमें रफ्तार भी है, तो क्या लिखेंगे, एल एन भी U से भी तक, यहां से हो गया T अपॉन M, तो लॉन भी माइनस में, यहां से लॉन भी माइनस में लॉन U इक्वल टू T बाय M हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसी को क्या लिख सकते हैं बता, तो लॉन भी बाय U लिख सकते हैं क्या, T बाय M, और इसी को लिख सकते हैं लॉग बेस E भी बाय U बराबर T बाय M, यहां तक ठीक है बात, तो e पे पावर यस कर सकते v by u बराबर e पे पावर t by m, यहां तक ठीक है, तो v बराबर हो गया e पे पावर t by m into u, कोई सवाल, अरे बोलो रे, ठीक, तो कह रहा है क्या बोल रहा है, तो चाहिए क्या इसको रे, 1 मीटर, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लॉन 2 सेकेंड, यानी वेलोसिटी आ चुका है हमको, चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए हमको, डिस्प्लेसमेंट, तो भी दिख रहा है ना हमको यहां से, भी बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है क्या, ई पावर टी बाय एम इंटू यू, तो हमको एक्स चाहिए, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू ई पावर टी बाय एम इंटू डी टी, देख रहे हो क्या, हमको क्वेश्चन देख करके अब डरने लग रहा है, और तुम लोग को भी नहीं डर लगना चाहिए, जब समय 0 है उस समय x का वैल्यू 0 है, जब समय t है उस समय x का वैल्यू x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u बाहर आएगा e पे पावर t बाय m बाय t सॉरी 1 बाय m, सही लिखे क्या, अरे ये लिखेंगे ना e पे पावर समथिंग का इंटीग्रेशन वही होता है ना, लेकिन जो मल्टीपल होता है उसे डिवाइड भी कर देते हैं, अगर 0 से लेकर t तक में, नंदिनी तुमको समझ में आ रहा है रे,
एम यू ई पे पावर टी बाय एम और माइनस ई पे पावर जीरो करेंगे तो वन आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू, क्लियर है? और यहाँ पर टी पुट करोगे फिर जीरो पुट करोगे, जीरो करोगे तो पावर जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एम कितना है दिया हुआ देखो तो, एक किलोग्राम दिया हुआ है क्या? यू भी एक, एक दिया हुआ है क्या? ई पे पावर समय कितना दिया देखो, इन टाइम लॉन टू, इन टाइम एल एन टू बाय वजन वन माइनस वन, कोई दिक्कत है यहां तक? क्या सब चीज पुट कर लिए? और ई पे पावर लॉन टू, तो देखो यहां ई पे पावर लॉन टू कैसे लिखेंगे, ई पे पावर लॉग बेस ई टू माइनस वन, क्या सही लिख सकते हैं क्या? लॉन टू कैसे लिख सकते हैं ना? और फिर मलेरिया यहां तक ठीक है? उड़ गए तुम लोग के तो बैंड बज गए, अच्छा जगह नहीं है, चलो ठीक ले सकते जगह, लेकिन हम चाहते हैं सिम बना दें तुम लोग को, ठीक है? तो ये देखो याद है यहां से e log e का वैल्यू मैच कर जाता है तो सिर्फ बचेगा दो, क्या बचेगा? अरे e पे पावर log e का वैल्यू कट जाता है रे, तो सिर्फ बचेगा दो, x बराबर बचेगा यहां से टू माइनस में वन, मतलब वन मीटर। सी आंसर क्लियर है यहां तक? यहां तो थोड़ा log का यूज ज्यादा आ गया, ठीक है? तो लॉग जब सीखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, बाकी तुम लोग को छोटा छोटा बात हम बता दिए, अगर ये दोनों मैच कर जाए तो सिर्फ दो को रख लेना, ठीक है बात? और इसीलिए इसने ऐसा टाइम भी दिया हुआ था ताकि वो मैच कर जाए। आगे बढ़ा जाए, अरे बोलन रे, हा नहीं बोलोगे तो कहा हमने बढ़ेंगे। P बराबर दिखा हुआ है थ्री टी स्क्वायर बाय टू बराबर पता है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, फोर्स m एक जगह पे dv बाय dt इंटू v लिखेंगे। क्या इतना गाना अब हम लोग को आ चुका है? क्या वेलोसिटी पूछा है? अरे बोलो रे हा, थ्री बाय टू इंटू टी स्क्वायर dt बराबर m v dv, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे क्या? हाँ कौन, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, हल्ला नहीं करो बीच में। यहां से 3 बाय 2 बाहर आएगा, t का क्यूब बाय 3 हो जाएगा, क्या सबको समझ में आया? बराबर m v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, क्या यहां तक सबको समझ में आया? समय का लिमिट लगा लो, समय बोल रहा है 0 पर 0 है, जब रफ्तार 0 है उसमें समय भी 0 है, जब रफ्तार सॉरी 2 सेकंड पर रफ्तार भी है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? वजन दिया है 2 किलो, क्या ये बन जाएगा? तीन से तीन तो कट गया, दो के जगह पे दो कट गया, क्या आप तो बनेगा ना रे? एट बाय टू बराबर यहां से जगह भी स्क्वायर, तो ये हो गया चार, ये तो क्या ही सॉल्व करोगे दू? ओहो इससे आसान सवाल कुछ होगा? अब तो समझ में आ गया ना, ये कैसे इन सारे इक्वेशंस को डील करेंगे? अब तो हम अच्छा एक भी बताओ, जितना क्वेश्चन किए सब में सिर्फ एक ही मेथड लगाए, कोई दूसरा मेथड हम यूज करें भी है, सिर्फ पकड़ते हैं एफ पर एफ भी लिख देते हैं, एफ फोर्स की जगह पे एम ए लिखते हैं, एक्सरसाइज सवाल हो जाता सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक चेन है रिवॉल्विंग टेबल सुनना ध्यान से, यहां से कुछ अंशु बाबू आपका सवाल यही था ना, जो जो आप लोग का सवाल था हम इस सबको थोड़ा काउंट कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान समझिएगा क्या है कहानी यहां पर, अरे यार काहे को दिमाग खाए, दिख रहा है क्या चेन सबको? ठीक है, और ये चेन जो है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा रफ्तार से घूम रहा है, कोई दिक्कत? अरे बोल रहे हा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर तो
हम इसको एक काम करते हैं, हम इस फोटो को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं अच्छे से, ताकि बातें थोड़ी और क्लियर हो जाए। देखो हम ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखना अभी सवालों कैसे बनेगा। अगर ये सवाल नहीं बनेगा तो इसके आगे जो सवाल है ये नहीं बनेगा तुमसे। ध्यान से देखना, क्या ये ओमेगा रफ्तार से घूम रहा है, इसका वजन एम दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सेक्शन काट रहे हैं। ध्यान से देखना, इस छोटे से सेक्शन से यहाँ से हम बात करें ना, छोटा सेक्शन काट रहे, एकदम छोटा सेक्शन है ये जो तुम लोग को दिख रहा है, ये इतना बड़ा सेक्शन नहीं है। क्या यहाँ तक कोई सवाल? एकदम छोटा सेक्शन काटे, ये बहुत ही छोटा है, समझ रहे हो ना अंशु बाबू? ये सेक्शन दिख रहा है आप लोग को, ये बहुत छोटा है, इसका वजन मान लो कि डीएम है। कितना ये वजन? एकदम छोटा सा, देखो है, इतनी सा का वजन काटे हैं, है ना, इसका वजन है डीएम, कोई दिक्कत है? और जिसका रेडियस है मान लो आर, क्या ये फोटो हम दिखा रहे हैं यहां पर? अरे बोल रहे, हाँ हेलो, हाँ बोलते जो बोला जो। देखो अगर ये कोई भी चेन अगर घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसके छोटे छोटे हिस्से कर सकते हैं क्या? डीएम 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 बहुत सारा, क्या हर एक पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ डीएम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा हो क्या? छोटा छोटा सेक्शन के ऊपर बाहर की तरफ, जस्ट बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम कह देंगे, कितना फोर्स कह देंगे बाहर की तरफ? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इतना फोर्स लग रहा होगा। एक और काम कर सकते हैं, यहां से एक लाइन हम ऐसे मिला दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है, इस लाइन को भी हम मिला रहे हैं, और ये जो एंगल है हम इसको कह रहे हैं बहुत छोटा सा एंगल है डी थीटा, क्योंकि वजन ही लिए हैं डीएम। ये जो एंगल बना रहा होगा छोटा छोटा मास, कितना बना रहा होगा? बहुत छोटा छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना बात? तो हम इस एंगल को भी डी थीटा कह दे रहे हैं, इस एंगल को भी डी थीटा कह दे रहे हैं। यहां तक ठीक है सबको? यहां तक ठीक है ना? अब ये जो ये ज्वाइंट है यहाँ पर, इस डीएम के साथ में जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट इधर वाले ज्वाइंट को पकड़ करके ऐसे खींच रहा होगा, इसका फोर्स को अगर हम कह दें कि टेंशन टी लग रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी टेंशन इस पर लग रहा होगा टी, कोई दिक्कत है? इसको दोनों साइड से ऐसे पकड़ खींचा जा रहा है ऐसे, समझ रहे हो आपको? क्योंकि ये बाहर खींचना चाह रहा है इस, अगर ये डी थीटा है तो हम यहां से भी एक काम कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं यहां से, क्या हम इसको भी डी थीटा कह सकते हैं, है ना? और अगर ये डी थीटा, ये 90 माइनस में डी थीटा, तो यहां से ये भी एंगल डी थीटा हो जाएगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है बात? क्या सिमिलरली उसी तरह से देखो, नहीं समझ में आया फिर यहां देखो इस सिचुएशन पे, क्या ये अगर डी थीटा है ये भी डी थीटा है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर खींच लेंगे तो ये भी डी थीटा हो जाएगा, क्लियर है यहां तक? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इधर की तरफ टी साइन डी थीटा लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा टी, हे, हाँ उधर टी कॉस लग रहा होगा, जिधर थीटा उधर कॉस लगता है रे, हाँ तो टी कॉस डी थीटा लग रहा होगा, यहाँ पर टी साइन डी थीटा लग रहा होगा, सिमिलरली इधर भी लग रहा होगा टी साइन डी थीटा, इधर भी लग रहा होगा टी कॉस डी थीटा फोर्स लग रहा होगा। क्या हम ये कह सकते हैं ई वाला फोर्स और ई वाला फोर्स एक दूसरे को बर्बाद कर देगा, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो खत्म नहीं कर देगा? जो नीचे फोर्स लग रहा है वो कॉस कितना लग रहा है बताओ? तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना, नीचे की तरफ वो दिख रहा है क्या? टू टी साइन डी थीटा दिख रहा है क्या? वो अगर इसको पकड़ करके बैलेंस करके रखा है तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है क्या? क्या इतना दिखा सबको? जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो टी साइन थीटा, इधर भी और इधर भी टी साइन थीटा, ये दोनों पकड़ करके छोटे से हिस्से को बाहर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पर? कितना लगा? टू टी साइन डी थीटा, और बाहर की तरफ लग गया डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या इस हिस्से पर दिख गया फोर्स अच्छे से? कितना दिखा? दिख गया, बस हो गया खत्म। अगर हम यहां से एक दो चीज ये कह रहे हैं कि थीटा हमने बहुत छोटा रखा है, तो हम इसको हम है ना फॉर
वेरी स्मॉल थीटा, हमको पता है ना कि साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, अगर छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, ये पढ़े हैं ना हम लोग, और ये टेन थीटा के बराबर होता है, इतना पता है ना हम लोग को, बोलो हाँ कि नहीं पता। यहां से क्या लिख देंगे, 2t sin d थीटा के जगह पर सिर्फ d थीटा लिख देते हैं, बराबर वजन, ये dm, ये छोटा सा वजन dm क्या होगा, तो हम कह देंगे सर पूरा का पूरा 2πr लेंथ का वजन हमने है, तो क्या यहां से यूज कर सकते हैं कि सर 2πr लेंथ का है ना वजन m है, क्या ये बोल सकते हैं क्या, देन जो इतनी सा का जो लेंथ होगा उसका वजन कितना होगा, तो सर ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो, ये जो लेंथ है ये आर्क लेंथ है क्या, मान लो इसका लेंथ एल कर देते हैं या छोटा सा लेंथ डीएल कर देते हैं, तो डीएल बराबर क्या होगा, यहां पर डीएल का वैल्यू कितना होगा बता सकते हो, जो डीएल है वो कितना होगा, तो उन लोग का तो बैंड बज गया, याद है थीटा बराबर एंगल बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस पढ़े हो, तो आर्क लेंथ कितना है, सो एंगल कितना है 2d थीटा, और आर्क लेंथ हो गया डीएल बाय आर, तो डीएल बराबर क्या हो गया आर 2d, हाँ तो एम इंटू आर इंटू 2d थीटा बाय 2πr, याद है ठीक है, तो 2r से 2r कट गया, तो क्या बचा m बाय पाई इंटू डी थीटा, ये हो गया क्या उस छोटे से हिस्से का वजन, ये यहां तक क्लियर है, तो dm की जगह पे ये पुट कर लेंगे, तो m बाय पाई इंटू डी थीटा और इंटू ओमेगा स्क्वायर r, क्लियर है बात, डी थीटा से डी थीटा खत्म, तो टी टेंशन कितना आ गया देखो, तो m ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2π, क्या यहां तक सबको समझ में आया अंशु बाबू, सोनल बाबू, नवाजिश बाबू, नवाजिश बाबू, सर नहीं, हम सर किसी के बगल में आवाज दे रहे थे कचरे वाले को भाई, हम सुने नहीं, टी टेंसर कितना होगा इस वाले पर देखो, अच्छा एक बात देखो ध्यान से, ये तो एम ओमेगा स्क्वायर क्या, ये टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, ये देखो ध्यान से, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, अब बाय 2π हो गया क्या, अरे बोलो रेहा, तुम लोग के तो बैंड बज गए रे, फिर से बता दें, ओके तो थोड़ा सा हम इसको फिर से बता रहे हैं, ध्यान समझना, अगर हम एक काम करते हैं इस छोटा सा पहले सेक्शन काट लेते हैं यहां से तक का, ठीक है ध्यान समझना, अगर नहीं समझ में आया है तो, क्या ये एंगल हम डी थीटा कर देते हैं, ये भी डी थीटा कर देते हैं, और हम एक छोटा सा सेक्शन काट रहे हैं, देखो ध्यान से यहां से ये वाला सेक्शन काटते हैं एकदम छोटा सा, कहां से काटते हैं यहां से, ठीक है एकदम छोटा सेक्शन, ये डीएम जो दिख रहा है ये इसका छोटा सेक्शन दिख रहा है, ये डीएम है, क्या ये रेडियस ये सेंटर हो गया, इसको मिलाते हैं इसके तरफ इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा क्योंकि इसका वजन डीएम है, कोई दिक्कत है, और हमने इस दोनों को मिलाया था ऐसे करके, अभी तक समझ में आया बात कि नहीं आया आपको, ठीक है ना, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वाले हिस्से पर ये जो बगल वाला ज्वाइंट है वो तो ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा होगा ना, टी इधर भी लगा रहा होगा टी, ठीक है अगर ये डी थीटा है तो इस समय काट सकते हैं, इधर भी हो गया टी थीटा, ये भी हो जाएगा इधर भी डी थीटा, एक इधर फोर्स लग जाएगा, अगर ये डी थीटा ये भी डी थीटा, तो टी कॉस डी थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन डी थीटा, सिमिलरली इधर की तरफ हो जाएगा, ये भी डी थीटा हो गया, तो टी कॉस डी थीटा हो गया, इधर की तरफ हो गया टी साइन डी थीटा, और ये जो छोटा सा सेक्शन काटे हैं
इस वाले वजन, इसका वजन है डीएम, तो बाहरी की तरफ कितना लग गया, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। किधर है बात? अब हमको अगर इसका लेंथ बोल दें, यहां से का जो लेंथ है ये लेंथ हम कह देते हैं डीएल है, कितना ये लेंथ है डीएल। तो हमको पता है ना कि एंगल जो होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये बात हम लोग को पता है। तो एंगल है कितना टोटल, तो 2d थीटा एंगल है और आर्क लेंथ है डीएल, रेडियस है आर, तो डीएल बराबर क्या बचेगा, आर इंटू 2d थीटा, है ना। दूसरा बात हमको पता है कि डीएम क्या हो जाएगा, जिसका वजन है डीएम वो क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, कह सकते हैं बात, 2πr इंटू जो इसका लेंथ है, तो आर इंटू 2d थीटा। क्या अभी तो सिखा ये करने के लिए, ये बात तो कर रहे हैं ना, 2πr लेंथ का वजन इतना है तो सर उतना लेंथ का वजन कितना होगा, ये ना किए हैं। अरे समझ गए क्या? नहीं अभी भी, तो 2r से 2r कट गया, ये जो डीएम आया है डीएम कितना आ गया, एम बाय पाई इंटू डी थीटा, यहां तक क्लियर है बात। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम यहां से एक बात तो फटाक से आप कह सकते हैं कि जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा टी साइन थीटा, टी साइन डी थीटा, वो इसके बराबर है क्या, यहां से 2t sin d थीटा का वैल्यू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। तो यहां से क्या जो 2t sin d थीटा, बहुत छोटा एंगल है, जो डी थीटा लिख दिया, डीएम की जगह पे एम बाय पाई इंटू डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2π। क्लियर है बात? अब तो ठीक है ना, सबको समझ में आ गया है ना। चलो ठीक है, इस वाले में देखो क्या है, एक चेन है, यहां फिर से एक चेन दिख रहा है हम लोग को, है ना। यहां पर हमको फिर से एक चेन दिख रहा है, यहां ना ऐसे करके, ये वाला जो हिस्सा है ये देखो चेन दिख रहा है क्या, और ये कोने में फंसा हुआ है, ठीक है कुछ इस तरह से अभी दिख गया, और ये कौन खुद घूम रहा है ओमेगा रफ्तार से, ओमेगा रफ्तार से कौन घूम रहा है ना, जिसका ये किसी आर डिस्टेंस पर जाके फंस गया है मामला इसका। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है बात, देख लो जल्दी से क्या क्या नहीं समझ में आया, क्या यहां तक दिख रहा है सबको, ठीक है। और अगर ये घूम रहा है तो क्या ये सेम सवाल हो गया क्या कि सर, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल तो ऐसे लग रहा होगा क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा हो ना, और अगर अगर ये थीटा मान लेते हैं तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे नॉर्मल के, है ना, एक तो ऐसे काट लेते हैं है ना, अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा है ना, और एक इधर भी थीटा हो जाएगा, समझ में आया वहां तक बात। अगर ये बात समझ में आ चुका है तो हम कह देंगे कि इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा ये तो हो जाएगा एन कॉस थीटा, है ना। और नीचे में जो ये चेन का जो पूरा का पूरा पूरा चेन के ऊपर जो नीचे फोर्स लग रहा है वो तो एम जी लग रहा है, ये लग रहा है पूरे चेन पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी, यहां तक कोई दिक्कत है हाँ। और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा अगर चेन बाहर घूम रहा है तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लग रहा होगा, सॉरी आर कैपिटल लिख लिया, स्मॉल आर लिखा है, कितना लग रहा होगा, स्मॉल आर लग रहा होगा, क्लियर है बात, है ना। तो कह रहे कि चेन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर हम यहां से एक दो चीज को समझें तो, अच्छा एक और ये एन साइन थीटा इधर होगा ना, तो हम ये क्या कह सकते हैं, यहां से एक दो बात बताओ, एन साइन थीटा किसके बराबर है, देखो तो वो एम जी के बराबर है, और एन कॉस थीटा, देखो ध्यान से एक बात ध्यान समझना, क्या हम अभी इस सिचुएशन पे कह सकते हैं कि ये तो वही सेम सवाल बन गया क्या पीछे वाला, जैसे बाहर की तरफ डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है चेन के ऊपर, यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है और एन कॉस थीटा लग रहा है, क्या यही बन गया क्या फोटो, तो बाहर में क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, याद नहीं आया, अच्छा फिर से देखो, नहीं समझ में आया फिर से उड़ा देते हैं, ओहो अंशु बाबू
अंशु बाबू, समझ में आ रहा है सर जी? ये देखिए, अच्छे नहीं समझ में आया फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां समझाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तुम लोग को समझ में आ जाता है मेरा बात रे पूरा? अरे हाँ, थोड़ा थोड़ा तय तय, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, कहे दिक्कत क्या आ रहा है बताओ, दिक्कत बताएगा तब ना समझेंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बात? नॉर्मल देखो, नॉर्मल कैसे होगा, इस चेन पर नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? हाँ नॉर्मल, नॉर्मल देखो कैसे लग रहा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा ना बाहर की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी फिर से हम छोटा सा मास काट लेते हैं, तुम लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो वही डीएम काट लेते हैं, यहाँ पर डीएम काटते हैं, इसका वजन हम डीएम का दे रहे हैं। अगर ये चीज दिखा रहे हैं तुम लोग को, तो यहां पर से फटाफट बता सकते हो दो तीन चीजें, फील करना पीछे से, पीछे से एक बार दिमाग में रखना, 3D में हम दिखा रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ कितने फोर्स लग रहे होंगे सर? एन कॉस थीटा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इधर की तरफ एन साइन थीटा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? और सिर्फ अगर इस डीएम के ऊपर बात करें तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है डीएम जी? अरे बोल रहे, हाँ सिर्फ उस छोटे से वजन के ऊपर बात करो। हाँ और बाहर में क्या लग रहा होगा? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग, ओमेगा स्क्वायर आर। और अंदर में कितना फोर्स लग रहा होगा? अंदर में कितना फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ? तो वो हम जानते हैं ना, 2T sin (2)2, मान लो कि अंदर वाला जो अल्फा मान लेते हैं ना, 2D अल्फा कर देते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि वही सेक्शन काट दी है ना वैसे। चेन, चेन अगर हम फिर से दिखा दें ऐसे करके, चेन का सीन जो अभी भी तो वैसा ही है कि नहीं है? ये जो एंगल है वो हमने मान लो कि डी अल्फा एंगल काट लिया, अंदर वाला एंगल है, इधर की तरफ वही टी कटेगा, इधर की तरफ वही टी कटेगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा क्या मामला? अरे बोलो रेहा, तो अंदर में तो वैसे ही आ जाएगा 2D sin। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एन साइन थीटा टोटल, जो एन साइन थीटा हर जगह लग रहा होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी ना एन साइन थीटा लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इधर भी लग रहा होगा एन कॉस थीटा, हर जगह लग रहा होगा ऐसा ऐसा। तो टोटल एन साइन थीटा जो होगा वो तो एम जी के बराबर हो जाएगा, पहला बात ये है। एन साइन थीटा किसके बराबर हो गया? टोटल एम जी के बराबर, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा नंबर में हम क्या कह देंगे, यहाँ पर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो 2T sin 2 अल्फा, sin 2D अल्फा इक्वल टू एन कॉस थीट प्लस में डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा कुछ जाएगा। तो यहां से फिर से हम, हाँ फिर से हम बात कर सकते हैं, एन के जगह पे यहाँ पर एम जी बाय साइन थीटा यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमको टी टेंशन निकालना है, तो 2T (2D अल्फा) बराबर एन के जगह पे क्या लिख देंगे बता दो, एम जी बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में डीएम के जगह पे क्या लिख देंगे, मास बाय टोटल लेंथ, तो 2πr (r)(2d)(α)(ω²r). क्लियर है यहां तक? अरे बोल रहे, हाँ अरे अभी वैसे ना बना दिए, वैसे बना लिए यहां से, तो हमको सिर्फ टी निकालना है। तो यहां से क्या दिख रहा है, T(2T)(2D)α इक्वल टू Mg(tan θ) प्लस में 2R से 2R खत्म हो गया, Md(α/π) सॉरी (ω²r) हो गया से। क्लियर है तक? तो टी टेंशन क्या हो जाएगा, टी टेंशन क्या होगा, दिस बाय दिस होल, अरे बोलो, अरे जो भी चीज आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। हेलो, हेलो, हाँ और कोई डाउट? अच्छा
चलो कोई तो देख रहा है, बाकी सब तो जरूर है कि मतलब ये गंभीर हो गया सबका। तो टी टेंशन कितना हो जाएगा, एम जी कॉट थीटा बाय 4 डी अल्फा प्लस में डी अल्फा से डी अल्फा कट जाएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4 पाई डी अल्फा। यहां तक ठीक है बात, यहां तक ठीक है ना। ये हाँ यहां से आ गया हमारे पास टी टेंशन, इतना क्लियर है यहां तक। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब दिक्कत क्या है यहां पर, क्योंकि हमने डी अल्फा को हमने यूज कर लिया यहां पर, तो ये आंसर नहीं है। हम इसको अभी एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग के तो हवे लग गए तुम लोग के दिमाग में। ठीक है, हमको सीधा सीधी ये यूज करना था कि जो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाय 2 पाई, बस सीधा सीधी इसका आंसर था। तो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे कितना लग रहा है बता दो यहाँ पर, हमको इतना दिखाना भी नहीं था, सीधे हमको बता दो टी टेंशन कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा, बाहर में कितना लग रहा होगा। अरे इतना लग रहा होगा ना इस वाले में भी बाहर में, अब बाय 2 पाई, ये हो गया टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बात। जिंदगी बर्बाद हो गया। अरे बाबा इस वाले पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे बाहर की तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर आर ही तो लग रहा होगा। अरे क्योंकि हम अभी एक्चुअली हम सो हाँ ये देखो जगह था रहे मेरे पास, हम भी टेंशन में थे कि जगह ही नहीं है। हाँ सुनना आप ध्यान से, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो चेन है मेरे पास, ध्यान सुनना चेन को, जो चेन है इस चेन के ऊपर फोर्सेस लग कैसे रहे थे, हम इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। जो चेन था क्या यही सीन है क्या हमारे पास, क्या इस पर कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, एन लग रहे हैं क्या, इधर की तरफ कितना, अगर ये थीटा दिया हुआ है ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बात सबको। अरे बोलो रे सब, तो तुम जैसे भैंसाट हो गया, एन कॉस थीटा हो जाएगा इधर की तरफ, एन साइन थीटा हो जाएगा इधर की तरफ, एम जी हो जाएगा, जो अंदर की तरफ टोटल टेंशन आने वाला है, वो टोटल टेंशन जो भी टोटल आने वाला है वो टी टेंशन कितना होने वाला है, वो तो हम कह देंगे सर जी एन कॉस थीटा प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा अंदर की तरफ। टोटल टोटल सोच के देखो, फील करो कि अंदर की तरफ कितना लग रहा होगा, क्योंकि हम एक एक एंगल पर नहीं बात कर सकते, यहां पर हम टोटल की बात कर रहे हैं। अंदर की तरफ टोटल टेंशन कितना लग रहा होगा, एन कॉस थीटा प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा। अरे बाबा देखो ध्यान समझो, ये जो सीन है ये वाला फोटो सबको दिख रहा है क्या, ये वाला फोटो दिख रहा है ना सबको। ठीक है, अब इसमें 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 देखो यहां पर टी टेंशन लग रहा है क्या, ऐसे यहां पर टी टेंशन लग रहा है ऐसे, ये टी टेंशन है कितना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टोटल लग रहा है, टोटल है इतना बाय 2 पाई। तो यहां पर भी देखो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगा, एन कॉस थीटा, साथ ही साथ क्या लगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी तो लगा। अब इस पूरे को अगर हम 2 पाई से डिवाइड कर दे तो टोटल टेंशन आ जाएगा, और ऊपर की तरफ टोटल एन साइन थीटा किसके बराबर है, वो तो एम जी के बराबर है, एन किसके बराबर हो गया, एम जी बाय साइन थीटा। बस यहां पुट कर लेना, टी कितना आ जाएगा, एन की जगह पे एम जी बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई, सॉरी 2 पाई। तो क्या बचा, एम जी कॉट थीटा प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई, दैट्स योर आंसर। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो फिर से देख लेना यूट्यूब पे, इतना लंबा तो लेक्चर ले लिया इस पे। अब सुनना ये सवाल बहुत अच्छा है, पहला वो लाइन जो कि ये रहा स्प्रिंग,
एम है ये, क्या यहां तक ठीक है अंशु बाबू? एल नॉट है, यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोल रहे आप, हेलो, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रे ये रहा स्प्रिंग एम और एम, अभी हम इसको कह देते हैं कि एक्स वन लेंथ से हम इसको नीचे की तरफ रखें तो क्या होगा इस सिचुएशन में, बताओ क्या होगा इस सिचुएशन में? यहां पर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रखे हैं, इस सिचुएशन में सिर्फ इस मास को रख दिए हैं, तो क्या होगा? ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे फोर्स लग रहा होगा एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा होगा के एक्स वन, क्या सही है? क्या के एक्स वन एम जी के बराबर होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पर रस्सी उसी नहीं बांधे हैं, यहां तक ठीक है कि नहीं है? जल्दी बताओ। अरे अभी ठीक है ना? अब सुनना बात को, अभी कह रहा है कि इसको हम यहां से इसको और नीचे खींच करके यहां पर लेके आए और रस्सी बांध दिए इस पे, इसके क्या कर दिए इस मास के साथ में, हम एक और एम रख दिए, एक और एम रख दिए और अब रस्सी बांध दिए। बैठा दिमाग में, यहां तक दिखा बात कि ये जो लेंथ है ये हमने कर दिया और एक्स से इसको कंप्रेस करके खींच करके रस्सी बांध करके छोड़ देंगे। आप बताओ यहां पर एक्स्ट्रा कंप्रेशन है क्या ये इस सिचुएशन में? ये जैसे रस्सी तोड़ोगे तो ऊपर भागेगा और ये हो गया है। अब ये कंडीशन क्या है कहेंगे इसको, कह देंगे मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? मीन पोजीशन। कोई दिक्कत है इस सिचुएशन में? क्या हो गया कि अब स्प्रिंग के पास हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो चुका है इसके पास हो चुका है ना? अरे बाबा यहां पर तो रुका हुआ कंडीशन है ना, यहां पर जैसे वजन रखोगे तैसे फिर कुछ रुक जाएगा, यहां तो ठीक है बात? इस सिचुएशन में बॉडी रुक गया है, इसको और कंप्रेस करके चाप करके रस्सी बांध दिए, जैसे काटोगे तो ऊपर भागेगा नहीं भागेगा? अरे तुम लोग को समझ, हाँ ठीक। अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यू बराबर सर जी हाफ के एक्स का स्क्वायर, क्या इतना कह सकते हैं क्या? ठीक है, आफ्टर बर्निंग द थ्रेड, अब यहां पर बात हो रही है अगला पिक्चर का। जब हम रस्सी को तोड़ेंगे या बर्न कर देंगे तो क्या होगा? ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये तो यहां रह जाएगा और ये ऊपर भागेगा, भागेगा क्या? मान लेते कि ये इतना ऊंचा उठ गया या कहीं उठ गया, हमको नहीं पता, यहां मान लो यहां तक आ गया है ना, एम मास यहां आ गया, स्प्रिंग ऐसे हो गया, हम अभी कुछ नहीं जानते कितना उठा नहीं उठा, ज़ूम कर लेते हैं कि यहां से ये ऊपर उठ गया, एच हाइट तक ऊपर उठ गया, कितना उठ गया? एच हाइट तक ऊपर उठ गया यहां से, यहां से, क्या कोई किसी को कष्ट? और जैसे ये इस रीच पर पहुंचा है तो ये सिर्फ जस्ट लिफ्ट किया है, जैसे यहां पर पहुंचा तैसे ये बॉटम वाला ब्लॉक सरफेस को छोड़ दिया है, क्लियर है यहां तक? जैसे ये इस टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंचा है तैसे ये क्या करा, यहां पर से लूज द कॉन्टैक्ट, यहां पर हो गया लूज द कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑफ बॉटम ब्लॉक, ठीक है, याद है ठीक है बात? जैसे छोड़ोगे तो ऊपर वाला ऊपर भागेगा, जैसे भागा तो इतना तेज भागा कि निचुआ वाला को लगा के अब ये छोड़ देगा, क्लियर है यहां तक बात? अरे इतना फील करा कि नहीं करे तुम लोग? जैसे रस्सी काटोगे, रस्सी काटोगे तो ऊपर भागेगा ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला ऊपर भाग रहा है तो नीचे वाला खींच लिया उसने पकड़ करके, जैसे लूज करेगा कॉन्टेक्ट यहाँ पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। सबसे फॉर बॉटम ब्लॉक, फॉर बॉटम ब्लॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, जमीन बॉटम वाले ब्लॉक के ऊपर कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे, तो नीचे एम जी ऊपर की तरफ कितना, मान लो कि कितना फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, तो यहां से ये और एक्स्ट्रा इलोंगेशन हो चुका है एच का, यहां तक तो कोई फोर्स भी नहीं लग रहा होगा नीचे वाले के ऊपर, सुनना ध्यान से, यहां पर क्या कम नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इस सिचुएशन में? अरे स्प्रिंग नीचे धक्का मार रहा होगा इसको, ऊपर धक्का मार रहा होगा कि नहीं मार रहा होगा? जैसे थ्रेड काटोगे तो नीचे फील कर पा रहे हो बात? यहां तक सिचुएशन में, इस जगह तक जब तक ये ब्लॉक ऊपर पहुंच रहा है तब तक कैसा सिचुएशन होगा? ये स्प्रिंग ऊपर
ये स्प्रिंग नीचे ऐसे फोर्स लगा रहा हो क्या, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तब स्प्रिंग हो जाएगा इलोंगेट। इलोंगेट अगर होगा तो ऊपर वाले स्प्रिंग को नीचे खींचा जा रहा होगा, नीचे वाले स्प्रिंग को ऊपर खींचा जा रहा होगा, खींचा जा रहा हो क्या। तो यहां पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो के एच लग रहा होगा ना, कितना का इलोंगेशन हुआ एच, है ना, नेट इलोंगेशन हुआ एच का, तो के एच फोर्स लग रहा होगा। तो के एच किसके बराबर हो जाएगा, और एक नॉर्मल तो लग ही रहा होगा, तो हम ये कह देंगे नॉर्मल तो हो चुका है जीरो, है ना, इस कंडीशन में। तो के एच का वैल्यू हो चुका है एम जी के बराबर, तो एच बराबर हो गया एम जी बाय के। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। दिस इज इलोंगेशन फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लगा देते हैं बस वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में वर्क नेट इक्वल टू के एफ, याद है कि नहीं है, शुरुआत सिस्टम रेस्ट में था, कहां से लगा रहे हैं, यहां से, इसको कह रहे हैं इनिशियल पोजिशन, इसको कह रहे हैं फाइनल पोजिशन, यहां से यहां तक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, बात इनिशियली यहां था, अभी बताओ यहां पर क्या सिचुएशन है, स्प्रिंग कैसे लगा रहा है बता, तो ऊपर फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है ना, यहां पर नीचे, और यहां पर अभी नीचे और ये ऊपर, यहां दिख गया फर्क, यहां तक समझ में आया बात कि नहीं आया। अभी यहां से जब चलेगा तो ये बताओ कि एम मास यहां से यहां तक पहुंचा है, तो पहले ग्रेविटी कितना फोर्स, कितना वर्क किया, तो एम जी नीचे एक्स प्लस एच ऊपर, याद है, ठीक है, माइनस में एम जी एक्स प्लस में एच, क्या यहां तक ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये ग्रेविटी का वर्क हुआ। अरे नहीं समझ में आया बात, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू के एफ, ऐसे लिखेगा ना, ये दो को चीज है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, कितना ग्रेविटी कारण वर्क हुआ, एम जी फोर्स लग रहा होगा यहां, ये यहां से उठ करके एच हाइट तक पहुंचा है, तो एम जी नीचे और एक्स प्लस एच ऊपर उठा। अभी ठीक है बात, अरे बोल रहा, ठीक है, और अब बताओ स्प्रिंग का, स्प्रिंग का वर्क कैसे होगा, तो स्प्रिंग पहले धक्का मार रहा है, अब बॉडी ऊपर गया है कितना एक्स, तो क्या लिख देंगे, प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, और फिर स्प्रिंग नीचे खींच रहा है और बॉडी जा रहा है ऊपर, जब यहां इस लाइन को क्रॉस करेगा, जब यहां से यहां तक गया तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स, नीचे जब यहां से यहां तक गया बॉडी भी ऊपर, स्प्रिंग फोर्स लगा नीचे, गलती बोल दी है, यहां से यहां तक जा रहा है बॉडी ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर, और यहां से बॉडी जा रहा है ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स नीचे, क्या समझ में आया बात। जब तक ये ब्लॉक यहां से यहां जा रहा है तब तक स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर बॉडी भी ऊपर, जब इसको क्रॉस कर गया तब स्प्रिंग फोर्स नीचे बॉडी ऊपर, यहां माइनस लिखेंगे क्या, माइनस में हाफ के एच का स्क्वायर आई इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के रुक गया। क्लियर है बात यहां तक, सुनना ध्यान से, अगर हम ये इसलिए ना इतना सारा फोटो बनाए थे, ध्यान सुनो, ये बॉडी जब यहां पर, यहां इस सिचुएशन में, तब बताओ कैसे फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, ये कंप्रेस्ड है, यहां पर ये कंप्रेस्ड सिचुएशन है, यहां पर इलोंगेशन है, यहां पर क्या है बोलो तो कंप्रेशन, यहां पर क्या है इलोंगेशन, तो कंप्रेशन है तो स्प्रिंग क्या जा रहा होगा ऊपर, और ये इसको नीचे धक्का मार रहा होगा, तो ये बॉडी को ऊपर पुश करेगा ना, तो स्प्रिंग जा भी रहा है ऊपर और फोर्स भी लग रहा है ऊपर, और जब इस लाइन को क्रॉस कर लिया ये नेचुरल कंडीशन पे आ गया ना, ये तो इसका मीन पोजीशन हो गया। अब इसके बाद जब जा रहा है तो ऊपर जा रहा है बॉडी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लग रहा है अब नीचे, क्योंकि यहां पर इलोंगेट हो गया है, इलोंगेशन कंडीशन में स्प्रिंग क्या होगा, नीचे लगेगा फोर्स। अरे जब स्प्रिंग को खींच दोगे तो वो फोर्स कैसे लगाएगा, नीचे ना, तो इसलिए जब यहां पर ये टिल मीन पोजीशन आफ्टर मीन पोजीशन, ठीक है, तो यहां से हो गया हमारे पास माइनस में एम जी एक्स प्लस में एच के जगह पे कितना था, एच का बिल्कुल कितना, एम जी बाय के प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ के एच का स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के का स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से क्या, माइनस में एम जी इंटू एक्स
माइनस में एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय टू के इक्वल टू जीरो। क्लियर यहां तक? क्लियर है यहां तक? बाय वन करेंगे तो गेट वन फ्री मिलेगा ही, है ना। तो क्या दिख रहा है यहां से, टू के स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एलसीएम ले रहा है 2k का, ठीक है। तो 2k स्क्वायर x का स्क्वायर, यहां पर भी x दिख रहा है, तो यहां से हो जाएगा माइनस में 2k mg into x, और यहां पर हो गया 2 m स्क्वायर g स्क्वायर, यहां पर हो गया माइनस में m स्क्वायर g स्क्वायर बराबर 0। तो देखो तो क्या दिख रहा है, 2k स्क्वायर x माइनस में 2k mg into x माइनस में 3m स्क्वायर g स्क्वायर बराबर 0। क्या यहां पर k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को दिख रहा है? क्या k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? x में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2 है। तो 2k mg प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 4k स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 4ac, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 24 के स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2 इंटू ए 2 के स्क्वायर। यहां तक ठीक है बात? अरे तुम लोग का तो दिमाग भूकंप आ गया रे, आ गया ना, कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग जी, छोड़ देंगे 2 एम जी इंटू के, आप प्लस माइनस में आप 24 और 4 कितना हो गया, हम बताते इसका आंसर क्या होगा। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 3 एम जी बाय के, ठीक है, एक्स का वैल्यू, दिस इज योर आंसर, ठीक है, जिसको इसने डेल्टा एल कहा है। कोई दिक्कत है, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा हम कुछ गड़बड़ वड़बड़ किए यहीं पर, ठीक है, मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कर लेना इसको यहां तक। अगला क्वेश्चन जो है इसमें वो कह रहा है, ध्यान सुनना सिर्फ छोटा सा, इसको हम आगे भी इसको एक्सटेंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, इस सवाल आगे का भी सवाल बनेगा, सेंटर ऑफ मास जो अगला चैप्टर है उसमें भी हम इसको डील करेंगे। जब कह रहा है, अभी देखो कितना से कंप्रेस किए हैं, 3 एम जी बाय के से कह रहा है कि नहीं, हम उसको 7 एम जी बाय के से हम उसको कंप्रेस करेंगे, तो सोच के देखो ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो अभी सिर्फ 3 एम जी बाय के कर रहे हैं, ये नीचे वाले बॉडी को खींच लिया, सोच के देखो और अगर कंप्रेशन करेंगे दोनों बॉडी उड़ने लगेगा, मेरी बात समझ रहे हो? अरे और ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो और तेज ने ऊपर उठेगा अंशु, अभी 3 एम जी बाय के करें, अभी 3 एम जी बाय के करें तो सिर्फ नीचे वाले को इसने लूज करा है कॉन्टेक्ट, और अगर हम और कंप्रेस कर देंगे तो नीचे वाला भी छोड़ देगा और ऊपर वाला भागेगा, तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी दोनों का जो बीच वाला हिस्सा है ये कितना ऊंचा उठ जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना ऊंचा उठ जाएगा, ये सवाल है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहां पर कहां पे, कहां पे, कहां पे देखना रे, हाँ ये देखो, ये जब यहां इस सिचुएशन में स्प्रिंग धक्का मार रहा है, इसमें स्प्रिंग खींच रहा है, ये अप टू मीन पोजिशन, ये मीन पोजिशन के बाद, समझना बात को, है देखो ये ब्लॉक है, ये मीन पोजिशन है और यहां पहुंचा ब्लॉक, ठीक है, मीन पोजिशन के नीचे एक्स है, मीन पोजीशन के ऊपर एच है, तो इस सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है, हाँ ऊपर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, और इस सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है नीचे, अगर स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी जा रहा है ऊपर, तो निगेटिव दिखेंगे ना इस सिचुएशन में, इसलिए माइनस में हाफ के एच का स्क्वायर, और इसमें बॉडी भी ऊपर जा रहा है, और यहां से चला बॉडी एक्स ऊपर गया और स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर गया, इसलिए प्लस, ठीक है, बाकी सॉल्व करना आ जाएगा इतना, ठीक है, ठीक है, कल तक आया था,
आज क्या गड़बड़ की हमको नहीं दिख रहा है, क्यों ऐसा हो गया, क्यों हुआ ऐसा? 4 3 2 2 2 2 2 पता नहीं, ठीक है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1 सेकंड लगेगा, ये सवाल खत्म कर देंगे, फिर इस सवाल को हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे, ठीक है। अच्छा पहले ये बता दे, क्या फोर्स दिख रहा है क्या तुम लोग को? बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो हमको काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है बताओ? हेलो, हाफ एम बी स्क्वायर होता है क्या? तो हमको चाहिए वेलोसिटी, क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे? एम डीवी बाई डी टी लिखेंगे क्या? इतना बराबर फोर्स की जगह क्या लिख दोगे? एफ नॉट कॉस टी आई कैप प्लस में साइन टी जे कैप, क्या इतना दिख गया? यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? अरे नहीं निकाल सकते जी, एफ नॉट बाय एम कॉस टी डी टी, सॉरी कॉस टी आई कैप प्लस में साइन टी जे कैप इंटू डी टी, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। जीरो पर जीरो है तो बी वेलोसिटी आ गया, उसको यहां पुट कर लेना तो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अरे ये हम ही बना दें, एफ नॉट बाय एम हो गया ना, कॉस क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन साइन टी आई कैप माइनस में साइन का कॉस टी जे कैप, एन हो गया वेलोसिटी, इसको यहां पुट कर लो, आ गया ना काइनेटिक एनर्जी। अरे अब तो आ गया होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखो, कह रहा है ये सवाल बहुत आसान है, ध्यान समझना। ये अगर ये देखो, ये 5 दिया है इसने, ये 7 दिया है, ये 7 दिया है, ये 5 दिया है, ये भी 5 होगा क्या? यानी ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया क्या? बोलो हाँ। अरे ये 5 है, ये 12 है, ये 13 होगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर का रूट नहीं होगा 13? यहां तक किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि 2 किलो का वजन है जिसका कांस्टेंट के दिया हुआ है, कर अनडिफॉर्म्ड है ए पर, ए पर जब पहुंचेगा यहां पर अनडिफॉर्म्ड है, इसका मतलब जब स्प्रिंग यहां होता तब इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट था जिसका वैल्यू 7 है। तो बता दो जब यहां पर है तो क्या ये कंप्रेस्ड सिचुएशन है कि ये एलोंगेट सिचुएशन है? 13 बराबर क्या लिखेंगे? 7 प्लस में 6, यानी कि जो कम इसमें इलोंगेशन दिख रहा है इस सिचुएशन में, तो खींच करके रखा हुआ है ना यहाँ पर, और ये सिचुएशन समझ रहे हो, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे पकड़ के घूम रहा है, इतना दिख रहा है क्या सबको? अरे बोल रहे, तो इस सिचुएशन में जब आएगा तो ये इलोंगेटेड सिचुएशन है ना, इलोंगेटेड कितना का है बता दो, एक्स का वैल्यू कितना बोलोगे? सर 6 मीटर का है क्या इलोंगेशन? बेसिकली 13 माइनस में 7, इतना का इलोंगेशन है। तो सर जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ के कितना है? 200, एक्स का वैल्यू कितना है? 6 गुना 6, तो कितना हो गया देखो, तो 3600 जूल, इतना है इसके पास एनर्जी क्या? अरे बोल रहे हा, ठीक है। अब जब ये घूमते हुए यहां पहुंच गया है, तो इस समय पर जब सर्कल में घूम रहा है, इस सिचुएशन में क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? इस सिचुएशन में ये इसके पास घूम रहा होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा ना? अरे बोल रहे हा, और ये रिंग में घूम रहा है तो बाहर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पर क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ने लगेगा, क्योंकि अनइलोंगेटेड है, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया? एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर, ठीक है। अरे बाबा जब ये बी पोजीशन पर होगा तब इस सिचुएशन में कॉलर पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? नॉर्मल इधर, बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बाय आर, और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा बोलो के एक्स, क्योंकि ये तो जीरो है ना, क्योंकि ये अनइलोंगेटेड कंडीशन है, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा नहीं यहां पर, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया? एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर। और यहां पर एम वी स्क्वायर कहां से, यानी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर जितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा यहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इतना बराबर क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर कितना आ गया देखो तो 7200, रेडियस दिख रहा है 5, इतना न्यूटन आंसर। कोई दिक्कत है कितना को नहीं आया?
फिर से बता दें वो आदर्श बाबू। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ को समझ में आया कि नहीं आया?